दोस्तों, भारत सरकार ने देश में पशु लोन लेने की प्रक्रिया को काफी सरल कर दिया है। अब लोन लेना काफी आसान हो गया है। सरकार ने देश के तमाम राज्यों के किसानों को पशु लोन एवं अन्य किसी प्रकार के लोन लेने की प्रक्रिया को काफी सरल कर दिया है। आज के इस वीडियो में आपको गाय पशु पर लोन लेने की पूरी प्रोसेस आपको बताया जाएगा। भारत सरकार ने देश के सभी राज्यों के किसान परिवारों की आय को दोगुना करने के लिए नए आधुनिक तरीके के रोजगार को काफी बढ़ावा दिया है। किसानों को गाय भैंस पर पशु लोन लेने का प्रक्रिया काफी सरल कर दिया है। अब सरकार ज्यादा जोर दे रही है कि ज्यादा से ज्यादा देश में पशुओं का पालन किया जाए ताकि नए रोजगार की स्थापना की जाए। इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप गाय भैंस पर ही लोन ले सकते हैं, आप बकरी पर लोन ले सकते हैं, आप मुर्गी पालन भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, मछली पालन का भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अब आपकी इच्छा है कि आप कौन सा लोन लेना चाहते हैं, इनमें से आपको जो अच्छा लगे वो लोन ले सकते हैं। लेकिन सेम प्रोसेस रहेगी, अब आपको बताया जाएगा कि आपको लोन लेने के लिए किस प्रकार आवेदन करना होगा, आपको कहां पर जाना होगा। इसके लिए बहुत से युवा साथी काफ़ी कमेंट कर रहे हैं कि गाय पशुओं पर लोन लेने की प्रोसेस क्या रहेगी। तो आपको बता दें, केंद्र सरकार ने देश के सभी किसान परिवारों को गाय भैंस लोन लेने जा रही है। जिन किसानों के पास पशुपालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो सरकार उस किसान को 1,60,000 रुपया की नगद राशि किस्तों में भुगतान करने की प्रोसेस दे रही है। यानी आपको 1,60,000 रुपये का पशु लोन दिया जाएगा, उसके बाद आप किस्तों में भुगतान कर सकते हैं। आपको बता दें, केंद्र सरकार किसानों को केसीसी लोन के साथ साथ पशु लोन को भी बढ़ावा दे रही है ताकि किसान स्वयं की अपनी भूमि पर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं या पशु का भी व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको केंद्र सरकार उन सभी परिवारों को 1,60,000 रुपये की नगद राशि दे रही है। अब चलिए आप बताते हैं, सरकार उन किसानों को रोजगार देने के लिए 1,60,000 रुपये का लोन उपलब्ध करवा रही है जो राज्य की नज़दीकी बैंक शाखा से लोन ले सकते हैं। अगर आपको पशुपालन चाहिए तो आप भारतीय पशु विज्ञान केंद्र की ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर आप अपनी आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। यानी आपको इस पशु लोन लेने के लिए आप नज़दीकी कोई भी बैंक शाखा है, कॉमर्शियल बैंक है जैसे पंजाब नेशनल है या SBI बैंक है या कोई अन्य भी बैंक है जैसे HDFC और ICICI, कोई भी बैंक शाखा हो आपके नज़दीक में, आप उन सभी बैंक से लोन ले सकते हैं। लेकिन शर्त इतनी है कि आप जिस बैंक से लोन लेना चाहते हैं उस बैंक में आपका पहले से बैंक अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, आपका बैंक अकाउंट होगा उसी के बाद ही आपको मैनेजर अधिकारी से पशु लोन से संबंधित आपको जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, 2022 में पशु लोन लेना बहुत ही सरल हो गया है। आप ज़रूर इस लोन की प्रोसेस को पूरा कीजिए और अपने नए बिजनेस को शुरू कीजिए, अपने नए रोजगार को शुरू करें ताकि अपने बिजनेस को आगे बढ़ावा मिल सके। क्योंकि दोस्तों, आज के ज़माने में लोगों के पास रोजगार काफ़ी कम हो गए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार आपकी खूब मदद कर रही है। आप ज़रूर इस लोन का फ़ायदा उठाइए और अपने क्षेत्र में पशुपालन व्यवसाय को शुरू कीजिए। इसके बाद आप इस लोन की राशि को बढ़ा भी सकते हैं। शुरुआत में आपको अगर 1,60,000 रुपये का लोन दिया जाता है तो इसके अंतर्गत गाय भैंस दोनों का आप पशु लोन ले सकते हैं। बाद में आपको अगर गाय कम मिल रही है और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोन की राशि को बढ़ा सकते हैं। आप लोन की किस्तों की राशि को समय पर भुगतान करेंगे तो बैंक आपको लोन की राशि को भी बढ़ा देगी। और इससे संबंधित ज़्यादा जानकारी चाहिए कि आपको गाय पर कितना लोन दिया जाता है और भैंस पर कितना लोन दिया जाता है और बकरी पर कितना लोन दिया जाता है, तो इसकी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। क्योंकि मैं अभी बताना शुरू करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा जाएगा, इसलिए मैं आपको पूरी प्रोसेस वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में बता रहा हूं, वहां से आप पूरी जानकारी लीजिए ताकि आपको देखने में काफी सरलता हो। उम्मीद करते हैं दोस्तों बताई गई जानकारी आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया है। फिर भी कोई भी आपके सवाल है, कंफ्यूजन है डॉक्यूमेंट से संबंधित या अन्य कोई भी प्रॉब्लम से संबंधित, तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर हम दोबारा से आपको पशु लोन लेने की प्रोसेस वीडियो दोबारा प्रोवाइड करेंगे। मिलते हैं ऐसी और कोई नई इन्फॉर्मेशन जानकारी के साथ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।